फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी समर्थक संगठन SFJ ने दी पंजाब हरियाणा में रेल मार्ग रोकने की धमकी। फरीदाबाद में भी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। बल्लमगढ़ रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के गुरप्राग सिंह पन्नू द्वारा 3 जून को हरियाणा में ट्रेन न चलने देने की धमकी। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन रेलगाड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे RPF व JRP पूरी तरीके से तैनात दिखाई दे रही है। हरियाणा में 3 जून को रेल रोको आंदोलन का मैसेज खालिस्तानी संगठन की तरफ से वायरल हुआ था, जिसको लेकर हरियाणा में आज सभी स्टेशनों पर पुलिस तैनात की गई है। इसी कड़ी में बल्लमगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भी आज काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी दिखाई दिए। बल्लमगढ़ जोन के ACP मनीष सहगल ने भी पुलिस बल के साथ स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ACP मनीष सहगल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे हरियाणा में खालिस्तान की तरफ से रेल रोको आंदोलन का मैसेज वायरल हुआ था, जिसको लेकर फरीदाबाद के कई रेलवे स्टेशनों पर पलवल से तुगलकाबाद तक स्टेशनों पर पुलिस तैनात की गई है और आने जाने वाले यात्रियों के सामानों की जांच की जा रही है। मनीष सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली, अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद की तरफ से जो है 10 पॉइंट्स जो है पुलिस फरीदाबाद में है, तो उनमें से एक पॉइंट रेलवे स्टेशन बल्लभगढ़ भी है। जो संस्था जस्टिस फॉर जो सिक्स है उनकी तरफ से जो ये घोषणा की है कि रेल रोको अभियान करेंगे हरियाणा पंजाब में, उसी के जो है मद्देनज़र जो है कानून व्यवस्था के देखने के लिए यहाँ पे आज ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिसके अंदर जो है चेक किया गया कि सारी ड्यूटियाँ मुस्तैद हैं और सारे उपकरण के साथ, और एक दो और पॉइंट भी यहाँ पर हैं जिनको स्वयं भी चेक किया गया है। और कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें RPF जो हमारे साथ ही है, GRP भी साथ ही है, और CID से जो भी इनपुट आती है तो इस पर जो है कदम लिया जाएगा। जो बल्लभगढ़ जो रेलवे स्टेशन है इसमें तकरीबन 100 के आसपास जो हैं, जिसमें 2 जो हमारे थाना प्रभारी भी हैं और 2 जो हमारे चौकी इंचार्ज भी हैं, और साथ साथ GRP और RPF की तरफ से भी मुलाजिम है, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी इसमें अपॉइंट किए गए DC साहब की तरफ से। तो कोई भी घटना से है तो उससे अब जो है निपटने के लिए जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पे तैयार है। अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है, GRPC भी हमने पता किया है, अभी तक ऐसी कोई जो है सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल उसमें एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल जो भी उसमें जो है निर्देश पूरे हमारे पास हैं, तो इसीलिए पुख्ता जो है यहाँ तैयारी की गई है। यहाँ ओल्ड रेलवे स्टेशन पर तैनात है, ऐसी क्या वजह है जो यहाँ इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, क्या कारण है? मैंने पहले भी बताया कि पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है कि 3 तारीख को खालिस्तान के समर्थकों ने कोई धमकी दे रखी है कि 3 तारीख को हम सारे हरियाणा के अंदर रेल नहीं चलने देंगे, जो कि उसी संबंध में हमने अपनी पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, और बम स्क्वाड और अन्य प्रकार की डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारी मदद कर रही है, RPF वाले भी हमारे साथ हैं, लगभग 305 पुलिस कर्मचारी यहाँ रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। हर बंदे को चेक किया जा रहा है, हर व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर जो गाड़ियाँ जा रही हैं उसके अंदर अलग से ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, वो अलग से चेकिंग अभियान चला हुआ है, और इसी प्रकार 6 तारीख की भी कोई धमकी मिली हुई है, गुरुद्वारों में अरदास कराई जाएगी, उस दिन भी हम अपनी ड्यूटियाँ तैनाती से पूरी लगाई जाएगी और हर प्रकार से शांति बनाए रखी जाएगी। सर, आज यहाँ कौन कौन सी बटालियन यहाँ मौजूद है जो चेकिंग कर रही है लोगों की, संदिग्ध लोगों की? आज यहाँ JRP की है, GRP पुलिस है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके अलावा RPF पुलिस है, 3 यूनिटें अपने यहाँ काम कर रही हैं, और उसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड है, और दूसरा हमारा जो डॉग स्क्वाड है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मदद की है। इस प्रकार काफ़ी हमारे जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो मदद कर रही हैं। सर, अभी क्या हालात है रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो? बिल्कुल पीसफुल है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, गेटों पे चेक किया जा रहा है, अंदर बाहर हर व्यक्ति पे निगरानी रखी जा रही है। मैं खुद यहाँ सुबह से यहाँ हूँ, और अपनी फोर्स को भी मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे सबको ब्रीफ करके आया हूँ, सब अलर्ट है और सतर्क है हम।